यार मुझे पता नहीं ये वीडियो कितना बड़ा होने वाला है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ जो मुझे लगता है आप लोगों को बताना ज़रूरी है। और काफ़ी दिन मेरे मन में ऐसे उथल पुथल हो रहा था कि कुछ चीज़ आप लोगों को बताओ, लेकिन कैसे बताओ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली आज डिसाइड कर लिया, एक वीडियो बना के आप लोगों को बताओ। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वीडियो। जी हाँ, लगभग 4 साल से ऊपर हो गया मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, और लगभग 2000 से ऊपर वीडियो है, और लगभग 4,40,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। लेकिन इतने सारे सब्सक्राइबर का मैं करूँ क्या, क्योंकि व्यूज तो मेरे चैनल पे आ नहीं रहा है। अगर मेरा लास्ट कुछ वीडियोस देखोगे, हार्डली 1,000-1,500 या फिर 2,000 एवरेज व्यू आता है, एक्सेप्ट दैट 80 वीडियो थोड़ा सा ज्यादा आया था। क्यों ऐसा हो रहा है? खाली मेरे साथ नहीं, मैं लास्ट कुछ दिनों में ऐसे कुछ यूट्यूबर से बात किया जिन लोगों का मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, उन लोगों का भी सेम हालत है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, थंबनेल में जो मैंने बताया था एक्चुअली उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, विच इज गिव अवेज। आज कोई भी एक बकवास फोन है आप लोग बहुत अच्छा बोल देते हो, यार बहुत बढ़िया फोन है यार, और उसी फोन का उस वीडियो में 4-5 गिव अवेज कर देते हो। रूल्स क्या है? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मतलब अपना जो चैनल है उसको और भी बड़ा करो, उसके साथ साथ एक अच्छा कमेंट करो उस फोन के बारे में। अबे फोन ही तो है, उसके बारे में क्या अच्छा कमेंट करो? हम लोग वही फोन का अच्छा सा कोई निकाल के, हम लोग को पता है वो बकवास है, लेकिन अच्छा सा कमेंट कर देते हैं, क्योंकि वो फोन हम लोग को जीतना है। ऐसे ही कोई खराब फोन हो जाता है अच्छा, जब भी उस फोन का कोई भी वीडियो आप सर्च करते हो वही सब वीडियोस आ जाता है टॉप रैंकिंग में, और आप लोग देखते हो अरे साला इतना बढ़िया फोन है, इतना अच्छा कमेंट है, इतना सारा लाइक है, तो डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छा फोन होगा, चलो जाके खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद क्या होता है, बन जाते हैं हम लोग पता है पीआर एजेंसी के साथ। हमारे जैसे चैनल का क्या बात होता है, पैसा तो बकवास मिलता ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना बहुत सारा पैसा लेके तुम लोग वीडियो बना रहे हो, भाई नहीं मिलता है, मुझे आज तक नहीं मिला इतना दिन कि एक वीडियो बनाऊं एक फोन के लिए मुझे इतना सारा पैसा मिलता है, नहीं। हो सकता है वो फोन दे दे, और कभी कभी तो मैं झगड़ के फोन लेता हूँ, पैसा भी नहीं दोगे, फोन भी नहीं दोगे, घंटा वीडियो बनाओगे, हम लोग का चैनल चलाने के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो कभी हम लोग झगड़ के भी फोन लेते हैं। और बड़े चैनल क्या करते हैं, हमको तो 4-5 फोन चाहिए गिव अवे के लिए, अपने लिए भी चाहिए, उसके साथ पैसा भी चाहिए, और ये पैसा लाख के नीचे नहीं होता, इतना सोच लो, इतना जान लो। तो आप ही सोचो, एक बड़ा चैनल वीडियो डाल रहा है गिव अवे के साथ, और मेरा जैसे छोटा चैनल एक नॉर्मल वीडियो डालता है, किसका वीडियो देखेगा? उसका वीडियो देखेगा, घंटा मेरा वीडियो कोई देखेगा? आज हर दूसरे वीडियो में गिव अवे, हर दूसरे वीडियो में गिव अवे, मतलब ऐसे ही टाइप होता है भाई, मैं गिव अवे करके अपना चैनल बड़ा कर दूंगा, मिलियंस ऑफ व्यूज सब्सक्राइबर्स, बस हो गया, और क्या चाहिए? लोग देख रहे हैं, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, और लोगों को सामान मिल रहा है, और क्या चाहिए? बिग बाजार खोल के रखा है ना हम लोग, अच्छे अच्छे ऑफर देते हैं हम लोग, यूट्यूब चैनल थोड़ी ना है, टेक चैनल थोड़ी ना है, एक वीडियो बना दिया खत्म फोन का, और हम लोग इतने सारे डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं एक फोन का, देखने वाले कोई नहीं है। और सबसे खराब लगता है जब नेगेटिव या फिर ऐसा कोई कमेंट आता है, जो सब कमेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है यार। एक बड़ा चैनल जब कोई ये प्रोडक्ट का गिव अवे करता है, चाइनीज प्रोडक्ट है, उसके बारे में अच्छा लिखने के लिए बोलता है, 10 तो अच्छा कमेंट आ जाता है। और जब भी हम लोग कोई चीज बोलते हैं, बस हम लोग बिक गए हैं, चाइना बैन करो, और हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, वो दे रहा है इसीलिए अच्छा है, हम लोग नहीं दे रहे इसीलिए खराब है। अरे भाई, तू जिस फोन से कमेंट कर रहा वो भी तो चाइनीज फोन ही है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये पोल बोल रहा है। आज मैंने एक पोल क्रिएट किया था जहां पर मैंने देखा 70%+ लोग अभी भी चाइनीज फोन इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करोगे, फेंक दोगे क्या? इस्तेमाल नहीं करना है तो कुछ बोलने से या फिर करने से पहले एक बार सोचो। आप मेरे जैसा हर एक चैनल देख लो, सबका एक ही हालत है, जब मेहनत से वो वीडियो बनाता है वो सब वीडियो, फिर अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता है वो सब वीडियो नहीं चलता। क्या करना पड़ेगा आपको, एक क्लिक बिट काइंड ऑफ थंबनेल देना पड़ेगा, ये है वो है ये है वो है बस। इवन मैंने देखा ऐसा भी चलता है यार, आप अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे हो, देख दिया ये क्या सही है ये क्या गलत है। अबे यार अनबॉक्सिंग वीडियो है, सिंपल लिख, नहीं सिंपल का तो जमाना नहीं है, सिंपल लिखने से तो आप लोग नहीं देखेंगे, हम हमेशा सिंपल लिखते हैं, कोई नहीं देखता। लोगों को तो हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, राइट? लोगों को हमेशा तड़का चाहिए, हमेशा तड़के में स्वाद नहीं होता सर, कभी कभी घर के दाल चावल में भी काफ़ी ज़्यादा स्वाद होता है, कभी खा के तो देखिए अच्छा लगेगा। खाली YouTube नहीं यार, अगर आप सोशल नेटवर्क भी देखते हो वहाँ पर भी सेम हालत है, मतलब PR एजेंसी की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा ऑफर किया जाता है बड़े बड़े चैनल्स को जस्ट एक पोस्ट करने के लिए। आज ऐसा मत सोचो कोई भी पोस्ट होता है वो फ्री में होता है, उसके लिए भी बहुत सारा पैसा होता है, कुछ कुछ नॉर्मल पोस्ट होता है बट कुछ कुछ कंपनी स्पॉन्सर्ड भी पोस्ट होता है। ये जो आप लीक्स और रूमर्स देखते हो ना, ये एक्चुअली कंपनी करती है, कंपनी PR एजेंसी के द्वारा ये सब इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैलाती है, उसके बाद अलग अलग वेबसाइट में देती है, उसके बाद ये सब इन्फॉर्मेशन निकल के आता है हाइप क्रिएट करने के लिए। जी हाँ, मैंने देखा है, मैंने सुना है, तो ऐसा ही होता है।
हम लोग का तो छोड़ दो, हम लोग को पैसा तो दूर दूर तक का नहीं है, मतलब पैसा तो मिलता ही नहीं, लेकिन ये सब बड़े यूट्यूबर को ना भर भर के पैसा मिलता है। मतलब हर एक फोन मिल गया, हर एक प्रोडक्ट मिल गया, एक वीडियो बना दिया, गिव अवे कर दिया, एंड आई एम बिकम ए टेक यूट्यूबर। देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत खामियां हैं, लेकिन वो खामियों का परसेंटेज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, या फिर वो घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर वो लालच, मतलब सबको लत दिखाने का जो लालच है वो अगर बढ़ जाता है ना, तब वो इंसान इंसान नहीं रहता। आज इसीलिए एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, अच्छा चीज़ देखो, और कभी कभी किसी को सपोर्ट करने से पहले हमेशा फ़ायदा मत देखो, देखो चीज़ अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो एक बार नहीं 100 बार सपोर्ट करो, कुछ पाने के लिए, कुछ लालच के लिए हमेशा कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली सपोर्ट मत करो, तब देखना बहुत कुछ अच्छा चीज़ ज़िंदगी से मिस हो जाएगा। जो भी है, बहुत सारा ज्ञान का बात दे दिया, और कुछ नहीं बताना चाहता, पता नहीं कितना बड़ा हुआ ये वीडियो, कुछ बताना चाहता था आप लोगों को, ऐसा ही कुछ चल रहा है, पता नहीं कैसे बता पाया, हो सकता है सामना सामने अगर बैठेंगे तो और भी अच्छे से बता पाएंगे, बट वैसा तो पॉसिबल या फिर मुमकिन नहीं है, इसीलिए वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया। जो भी आप अपना राय दे सकते हैं, कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी, और मैं किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को हार्म नहीं करना चाहता, बट जो टेक इंडस्ट्री में चल रहा है वही बताने का आप लोगों को कोशिश किया, होपफुली आप लोग समझेंगे। चलिए तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आपका वीडियो, बाय।